साइंस सेपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें इससे पहले हमने पढ़ा था सीव सेकर, यानी उन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जिससे हम पार्टिकल साइज को चालते हैं या सेपरेट करते हैं। सीव सेकर आपने पढ़ लिया, साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल आपने पढ़ा, इससे पहले लेक्चर जो वीडियो था उसमें था कि साइक्लोन सेपरेटर में जब हम स्ट्रीम से हवा पास करते हैं किसी पाइप में तो पार्टिकल ऐसे ऐसे से घूमता है, जब पार्टिकल घूमता है तो आपका प्रिंसिपल याद करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन वाला, तो बड़े पार्टिकल जो है वो दूर है मतलब पेरिफेरी पे होते हैं और हल्के पार्टिकल जो होते हैं, जो हल्के पार्टिकल होते हैं दूर और बड़े पार्टिकल बीच में रहते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो अब एयर सेपरेटर में क्या है, साइक्लोन सेपरेटर के साथ एक ड्रॉबैक ये था कि साइक्लोन सेपरेटर में जो डस्ट है डस्ट भी उसी में मिल जाता है, वो अलग नहीं हो पाता। ये वाला जो आपका एयर सेपरेटर है इसमें एयर की हेल्प से हम बात करेंगे, इसका बेसिकली प्रिंसिपल वही वाला मैकेनिज्म नंबर 3 सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका प्रिंसिपल ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जब पार्टिकल गोल गोल घूमते हैं नाचते हैं तो वही जो हल्के पार्टिकल अलग छोटे पार्टिकल अलग हो जाते हैं और बड़े पार्टिकल अलग हो जाते हैं, साइक्लोन सेपरेटर वाला ही प्रिंसिपल है। बस इसमें एक आइडिया क्या है कि इसमें एक फ्लो करता है साइक्लोन होता है और एक सीधी हवा गुजरती है, जो सीधी हवा गुजरती है वो सीधी हवा क्या करती है कि जो धूल होता है डस्ट होता है उसको भी निकाल के बाहर, यानी साइक्लोन से एक पॉइंट इसमें ऐड करते हो कि इसमें सीधी हवा पास करते हैं जो डस्ट को बाहर, इसका प्रिंसिपल यही है जो आपने लिया। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार स्ट्रक्चर है, नीचे कोलिकल होता है, ऊपर सिलेंड्रिकल है नीचे कोलिकल है, इसमें ढेर सारे आउटलेट होते हैं, एक एयर इनलेट एयर आउटलेट है, ये आउटलेट है जहां से बड़े पार्टिकल निकलते हैं, ये आउटलेट है जहां से फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं, और इसके अंदर स्ट्रक्चर में एक रोटेटिंग वैन फैन लगा होता है, ये फैन जो रोटेट करता है, एक फैन यहाँ पे है एक फैन यहाँ पे है, देखना एक बड़ा वाला पीछे और ये है, और इसके साथ कुछ रोटेटिंग ब्लेड्स या वैन्स लगे होते हैं ऊपर से वहां पर डालते हैं। अब क्या होगा, इसका एक कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग समझते हैं हम, जैसे ही यहाँ पे हॉपर में मटेरियल हम प्रोडक्ट लोड करेंगे वो आके नीचे गिरेगा, और जब वो नीचे गिर रहा है तो उस समय ये आपका मशीन चालू होगी, जैसे ही हम मशीन ऑन करेंगे ये बहुत तेज तेज फैन अंदर घूमने लगेगा, जब फैन अंदर घूमने लगेगा तो ये पार्टिकल भी इसके अंदर यूं ऐसे मोशन करना शुरू करेगा, जो पार्टिकल्स हैं ये भी इसके अंदर क्या करेंगे इस तरह से मोशन करते रहेंगे, और जब ये मोशन करेंगे तो पार्टिकल पूरे चक्कर में राउंड 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 घूमना शुरू होगा, और जब राउंड राउंड घूमना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत दूर जाके साइड में जाएंगे और भारी पार्टिकल थोड़ा सा पीछे करेंगे, यहां से करके हम बड़े पार्टिकल और छोटे पार्टिकल दोनों को अलग अलग आउटलेट से अलग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एयर ब्लो हम नीचे से एयर रिलेट से हवा देते हैं तेज हवा, वो हवा क्या करती है सर्कुलेट होकर आती है और जितना डस्ट होता है धूल होता है बहुत छोटे पार्टिकल जिसका वेट बहुत कम है उसको अपने साथ लेकर निकल लेते हैं, ये इसका सिंपल सा वर्किंग। बाकी यूज आप समझ में आ रहा है किसके लिए करते हैं, सारे सेपरेशन पे कर रहे हैं, पाउडर किसके लिए बेसिकली करते हैं, इसमें पाउडर पार्टिकल में छोटे भी हो बड़े भी हो कई आपस में मिले हो कौन साइज के हो, ठीक है उसके लिए यूज करते हैं, बाकी एडवांटेज वर्टेज आपको इससे देखें, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हमारा अगला बेटा से नंबर 4 फिल्टर बैग की बात करेंगे। फिल्टर बैग समझिए क्या होता है, इस फिल्टर बैग में एक बड़ा सा कोलिकल हमारे पास मेटल का एक बेस है और उसके अंदर इस तरह से ढेर सारे जो पाइप्स बने हुए हैं ये जो आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग पाइप, जैसे मानो ये हमारा एक पाइप और इस पाइप से हमने कोई कपड़ा बांध दिया है, क्या बांध दिया है कपड़ा, इसे आप लोग जाते हैं चक्कियों में तो आप देखते हैं चक्की के बाहर उसमें कपड़ा निकाले रहते हैं ना जिससे आटा भरते हैं फिर इसे पलटते हैं, तो वो एक कपड़ा है जो कि या तो वो वूल का बना है ऊन का बना है या तो कॉटन का बना है, एक कपड़ा होता है ढेर सारे अलग अलग पोर साइज के अलग अलग पार्टिकल पोर साइज के कपड़े टगे होते हैं, दिख रहा है एक दो तीन चार इस तरह से ढेर सारे कपड़े टगे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से जो मटेरियल हमारा है जिसको हमको सेपरेट करना है उसमें ढेर सारे छोटे पार्टिकल है बड़े पार्टिकल है अलग अलग पार्टिकल है, तो यहाँ से हम इसको इंटर करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल यही है सिंपल सा कि कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ से मटेरियल फिट करेंगे तो क्या होगा कि एयर ऊपर से खींच रहा है, जब एयर ऊपर जा रहा है तो जो पार्टिकल्स है वो इसका डस्ट कपड़े के अंदर घुसेंगे। अच्छा पोर साइज अलग अलग है तो कुछ बड़े पार्टिकल अलग चैम्बर में छोटे पार्टिकल अलग चैम्बर में और छोटे पार्टिकल और अलग चैम्बर में, यानी सबका पोर साइज अलग है तो सबको हम एंट्री करना शुरू करें। एग्जाम्पल मानो कि कोई बहुत लोगों का ग्रुप है और हमको घुसाना है गुफा में, तो जिस गुफा का साइज बहुत छोटा है तो छोटे जंतु घुसेंगे, गुफा का साइज बड़ा है और बड़े लोग जाएंगे, मतलब बड़े लोग बड़े साइज जाएंगे, उसी तरह से इस पार्टिकल बैग के अंदर जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो जाएंगे और छोटे वाले भी छोटे वाले,
और ये जब हवा मारेगा तो ऊपर जाएगा तो ये पूरे जो इसके अंदर जाती है फंस जाए, ठीक है, इसके अंदर जाकर पार्टिकल फंस जाए। तो इसके वर्किंग में दो फेज होता है, एक फिल्टरिंग पीरियड फेज होता है और दूसरा सेकिंग फेज होता है। यहाँ पे ऊपर एक मशीन लगी होती है जिसका नाम बेल क्रैंक लीवर। इस लीवर में जो दो सिस्टम होता है, जब ऊपर चालू करेंगे तो पहले क्या होगा, फिल्टर होगा, हवा खूब तेज से ऊपर जाएगी और सारे पार्टिकल इस चैम्बर के अंदर फंस के चले जाएंगे। उसके बाद दूसरा होता है सेकिंग। सेकिंग फेज में क्या होता है कि जब लास्ट पार्टिकल को निकाल लिया, अब इसको खुद कैसे सेव करते हैं, सेव करते हैं तो जब धूल के कण इस बैग में चिपके हैं, अंदर चिपकेगा धूल कण भी जाएंगे अंदर, जब चिपके होंगे तो सारे धूल कण क्या होंगे यहाँ से नीचे से गिरेंगे और पार्टिकल हमको कहाँ मिल जाएंगे, ऊपर से, जो हमारे फेस पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे और जो डस्ट चिपका रहेगा और जब दूसरा सेकिंग पीरियड करेंगे तो पूरा पार्टिकल नीचे, यानी दो फेज में हमारा ये मशीन काम करता है। और ये मशीन को कंट्रोल कौन करता है, बेल क्रैंक लीवर। इसको ऑन स्विच ऑफ ऑन करते हैं तो एक बार पहले फिल्टरिंग करता है, जब दोबारा आप करेंगे, जब इस फेज में ले आएंगे तो हवा का जाना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक हवा का जाना बंद हो जाएगा, सिर्फ सेक होना शुरू होगा, यानी पहले फेज में हवा खींचेगा और दूसरे फेज में हवा बंद हो जाएगी तो सेक करेगा, सेक करेगा तो सारे धूल के पार्टिकल नीचे से गिर जाएंगे। इस तरह से हम अलग अलग पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं इस फेज। चलिए लिखिए इसके बारे में।